हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल परिषद में जिला बिलासपुर और हमीरपुर का 8वां 3 दिवसीय मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदर्शनी में हमीरपुर व बिलासपुर जिला के बच्चों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने मुख्य अतिथि नरेंद्र ठाकुर का पहुँचने पर स्वागत किया। जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल ने बताया कि बच्चों की साइंस मॉडलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। उन्हें बताया कि प्रदर्शनियों में मॉडल को बनाने और प्रदर्शित करने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। गौरतलब है कि जिला हमीरपुर में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और गत वर्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन में 4 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के लिए भी चुने गए थे। 3 दिवसीय जिला स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी इंस्पायर मन की योजना के तहत जिला हमीरपुर और बिलासपुर के लगभग 300 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मॉडल एग्जीबिशन में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो शुभारम्भ है यहाँ के माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी कर रहे हैं और लगभग बिलासपुर से जो हैं वो 40 जो हैं बच्चे जो हैं वो मॉडल में भाग ले रहे हैं और लगभग हमीरपुर के अभी तक 220 बच्चे जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। ये कार्यक्रम हमारा 3 दिन तक चलेगा। इसमें हमारी जो इनोवेशन फाउंडेशन जो अहमदाबाद का है वहाँ से हमारे जजेस जो हैं वो आ रहे हैं, साथ में हमारे स्थानीय जो डिग्री कॉलेज है उसके जो प्रोफेसर हैं वो इनकी बच्चों की सारी इवेल्यूशन करेंगे। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये एक योजना है, ये भारत सरकार की एक उत्कृष्ट योजना है जिसके तहत अर्ली अट्रैक्शन का अर्थ है कि बच्चों को अर्ली स्टेज के ऊपर जब बच्चे 6ठी कक्षा में होते हैं वहीं से इन बच्चों को हम आकर्षित करते हैं कि जो उनके जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं और वो साइंस के प्रति किस प्रकार से अट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न मॉडल्स का उनका जो आइडिया है उसको वो अपलोड करते हैं और उसके तहत प्रत्येक बच्चे को 10,000 रुपये जो हैं मॉडल को बनाने के लिए, मॉडल को ले जाने के लिए या उसको इंस्पिरेशन के लिए ये दिए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब अर्ली स्टेज के ऊपर बच्चे जो हैं हमारी साइंस रिलेटेड जो एक प्रैक्टिकल्स है उसको उस थ्योरी से हटकर वो जो प्रैक्टिकल काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका विज्ञान की जो खोज है उसमें उनकी भागीदारी भी बढ़ती है और साथ में उनकी एक उनके अंदर एक प्रकार की आशा जागती है ताकि वो भविष्य में प्लस टू के बाद साइंस रिसर्च में अपना कैरियर को वो चुन सकते हैं। हमीरपुर का जहाँ तक जो पिछला हमारा यह राज्य स्तरीय जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत हमीरपुर के 4 बच्चे जो हैं वो राष्ट्र स्तर के लिए चुने गए हैं। मैं सबसे पहले तो उन सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिनके माध्यम से और जिनकी देखरेख में उन बच्चों का चयन जो राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। और जब बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन होता है स्टेट से तो लगभग 40,000 रुपये जो बच्चों के मॉडल्स को और बेहतर बनाने के लिए भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट जैसे NIT है उनमें इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद अगर बच्चे नेशनल स्तर से पहले 60 बच्चों में चुने जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है और उनके मॉडल्स को इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से आउट वार्ड के माध्यम से पेटेंट करवाया जाता है जो